नमस्ते। आज हम सभी बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में एक व्याकरण इकाई है, उस व्याकरण इकाई के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आपकी व्याकरण इकाई में संज्ञा प्रकरण और अजंत प्रकरण आदि प्रकरण है, इसमें हम आज सर्वप्रथम संज्ञा प्रकरण लेंगे। संज्ञा प्रकरण के बारे में थोड़ी मैं जानकारी आपको दूंगा, उसके बाद में हम विशदतया अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, संज्ञा प्रकरण का मैंने प्रारंभ भी करवाया कि लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक है, उस लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक में सबसे पहला प्रकरण संज्ञा प्रकरण है। और संज्ञा प्रकरण के माहेश्वर सूत्रों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जो मेरे पूर्व के वीडियो में है। आज हम सभी संज्ञा प्रकरण में आने वाले सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब सूत्र के बारे में आप सुनते हैं तो आपके मन में एक जिज्ञासा होती है कि आखिर सूत्र किसको कहते हैं और सूत्र का क्या अर्थ होता है, कितने प्रकार होते हैं आदि आपके मन में जिज्ञासाएँ होती है। तो व्याकरण में आप देखेंगे कि जैसे बहुत सारे सूत्र मिलेंगे, सूत्र की वृत्तियाँ मिलेगी, संज्ञा प्रकरण में भी वही मिलेंगे। तो सूत्र की सबसे अच्छी परिभाषा श्लोक रूप में बताई गई है, वो देखेंगे हम। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद्विश्वतो मुखम अस्तो भमन वद्यंच सूत्रम सूत्र विदो विदु। ये आपकी श्लोक के माध्यम से सूत्र का अर्थ बताया है। अब मैं इस श्लोक का अर्थ बताता हूँ आपको। अल्पाक्षरम, सूत्र हमेशा अल्प अक्षरों वाला होता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे सूत्र मिलते हैं, ज़्यादा अधिक बड़े नहीं होते हैं, विस्तृत नहीं होते हैं। जैसे हलंत्यम तस्य लोप है, लघु लघु सूत्र होते हैं। तो सूत्र का पहला लक्षण है अल्पाक्षरम, जिसमें अल्प अक्षर हो। असंदिग्धम, उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं हो, कन्फ्यूजन नहीं हो, इतना स्पष्टतया होना चाहिए सूत्र में। कोई भी पद किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं करता है, सीधा और सरल होना चाहिए। उसके बाद में सारवत, सार से युक्त होना चाहिए सूत्र में। वही पदों का समावेश होना चाहिए जिन पदों से पूरे सूत्र का सार निकले। जैसे सूत्र है तस्य लोप है, अब तस्य लोप है दो पद कहने से हमें इतना पता चलता है कि लोप होता है, इत का लोप होता है, ये सार से युक्त है। उसके बाद में विश्वतो मुखम, विश्वतो मुखम शब्द का अर्थ है सर्वतो भावेन प्रभावी। सूत्र चारों तरफ से प्रभावी पूर्ण होना चाहिए, उसका अपना जो अर्थ है, अर्थ का प्रभाव, अर्थ को अच्छे तरीके से बता सके, ऐसा सूत्र में प्रभाव होना चाहिए। उसके बाद में आगे आपके बता रखा है अस्तो भमन वद्यंच। अस्तोभनम लक्षण है सूत्र का। अस्तोभनम शब्द का अर्थ होता है, स्तोभ शब्द का अर्थ होता है कि निरर्थक शब्द, ए लग गए आगे तो निरर्थक शब्द नहीं, इसका अर्थ सीधा सा अर्थ यह हो गया नास्ति स्तोभ निरर्थक शब्दों यत्र, जहाँ पर ऐसा कोई सा भी पद नहीं है जिसका कोई न कोई अर्थ नहीं है। सूत्र में वे समस्त पद होने चाहिए जिनका कोई न कोई अर्थ होता हो, निरर्थक पदों का सूत्र में प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अनवद्यंच, अनवद्यंच शब्द का अर्थ होता है अनिंद्य, उसकी किसी भी प्रकार से निंदा नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से अर्थ की दृष्टि से, शब्द की दृष्टि से उसकी निंदा या उसको है ही नहीं समझा जाना चाहिए। उसके बाद में कहते हैं सूत्रम सूत्र विदो विदु, उसको कहा जाता है सूत्र कहा जाता है।
तो इतने लक्षणों वाले, अल्पक्षर वाला, संदेह से रहित वाला, चारों तरफ से प्रभावी वाला, सार युक्त जिसमें पूरा सार आ जाए, निरर्थक शब्दों से रहित और अनिंग्य जिसकी निंदा नहीं हो, इतने लक्षणों वाले को हम क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं, जो आपके हलंत्यम आदि सभी सूत्रों में संज्ञा प्रकरण जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन सूत्रों की विशेषताएं जो मैंने इस श्लोक में बताई है सभी विशेषताएं आपको मिलेंगी। सूत्रों के 6 प्रकार होते हैं। एक श्लोक है बहुत ही अच्छा, संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड विधम सूत्र लक्षणम। इसका अभिप्राय क्या होता है कि सूत्र के 6 प्रकार होते हैं। संज्ञा सूत्र, सबसे पहला सूत्र आता है संज्ञा सूत्र। ये जो संज्ञा प्रकरण है, इस संज्ञा प्रकरण में सामान्यतया सभी सूत्र संज्ञा सूत्र है। संज्ञा शब्द में ज्ञा धातु है, सम उपसर्ग है। ज्ञा धातु का अर्थ होता है जानना। इन सूत्रों के माध्यम से हम जानेंगे व्याकरण में प्रयुक्त होने वाले कुछ पद है, उन पदों के बारे में हम जानेंगे संज्ञा प्रकरण के सूत्रों के माध्यम से। जैसे एक पद है, इत पद है, आपने व्याकरण में सुना होगा इत पद के बारे में। तो इत पद के बारे में हलंत्यम सूत्र है, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र है। वो ये दोनों सूत्र हमें बताते हैं कि वास्तव में इत होता क्या है। तो संज्ञा सूत्रों का अर्थ होता है ऐसे सूत्र जिन सूत्रों के माध्यम से हमें पता चले कि वो है क्या। जैसे किसी कोई सा भी, जैसे एक पेड़ है, तो पेड़ का जो शरीर है उस शरीर को हम पेड़ के नाम से जानते हैं। वो उस शरीर की संज्ञा क्या हो गई? पेड़ हो गई। इसी प्रकार इत संज्ञा, इत क्या होता है, लोप क्या होता है, प्रत्याहार क्या होते हैं, इन सभी पदों के बारे में हमें संज्ञा सूत्रों में इनके बारे में हमें अर्थ मिलेगा। संज्ञा सूत्र हो गया पहला सूत्र का भेद। दूसरा भेद है परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र का अर्थ होता है अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। आपने बहुत जगह सुना होगा इसकी क्या परिभाषा है। तो परिभाषा की क्या परिभाषा है, परिभाषा का क्या अर्थ है? तो व्याकरण में बहुत ही अच्छी परिभाषा दे रखी है, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। जहाँ पे कोई नियम नहीं प्रयुक्त हो रहा है वहाँ पे नियम करने वाली है परिभाषा। तो परिभाषा की परिभाषा अनियमे नियमकारिणी। जहाँ पर कोई नियम प्रयोग में नहीं आ रहा है वहाँ पर वह सूत्र आकर के यह कहता है यहाँ पे यह नियम लगेगा, वही सूत्र क्या कहलाते हैं? परिभाषा सूत्र कहलाते हैं। उसके बाद में आता है सूत्र विधि सूत्र। विधि सूत्र की परिभाषा है आदेशादि विधायकम सूत्रम। आपने देखा होगा कि आदेश आगम बहुत सारे कार्य होते हैं, तो आदेश आगम आदि जो कार्य जो सूत्र करते हैं उनको विधि सूत्र कहा जाता है। अब आगम और आदेश में क्या अंतर है मैं आपको बता दूं। व्याकरण में सामान्यतया दो शब्द प्रयोग में आते हैं, एक आता है आगम, एक आता है आदेश। आगम है मित्रवद भवति, आदेश है शत्रुवद भवति। दो वाक्य प्रसिद्ध है इन दोनों के बारे में। आगम मित्रवद भवति, आगम हमेशा मित्र की तरह होता है। आपने जैसे देखा होगा कि नुम आगम, तो नुम आगम यदि कहीं पर करना है तो नुम आगम करने से पहले हमें किसी भी शब्द को हटाना नहीं पड़ेगा। नुम को हम सीधे के सीधे शब्द में लिख देंगे। जैसे ह्रस्व नद्यापो नुट सूत्र नुट का आगम करता है, तो हम क्या करेंगे, राम के बाद में नुट का आगम कर देंगे, नुट का नय निकाल के रामानाम बना लेंगे, किसी शब्द को हटाएंगे नहीं। तो आगम में किसी भी शब्द को हटाना नहीं पड़ता है, जो हटाए नहीं उसको कहते हैं आगम। और मित्र होता है इसलिए कहा जाता है आगमः मित्रवत भवति। इसी प्रकार आदेश, आदेश है शत्रुवत भवति। आदेश का क्या काम होता है? आदेश शत्रु की तरह काम करता है। जैसे इको यणसी सूत्र है
वो ई के स्थान पर यह आदेश करता है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ई को हटाना पड़ेगा, हटा करके ही हम ई की जगह यह लिखेंगे, तो वो आदेश है, आदेश हटाता है, इसलिए कहा जाता है आदेश है शत्रुवत भवति। तो यदि कहीं पर कोई आगम करता है, कोई आदेश करता है, ऐसे सभी सूत्रों को विधि सूत्र कहा जाता है। उसके बाद में आता है नियम सूत्र। नियम सूत्र का अर्थ होता है प्राप्त विधि के विषय में नियम करने वाले सूत्र को नियम सूत्र कहते हैं। कभी कहीं कहीं व्याकरण में ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे कोई कर दिया जाता है कि जैसे यहाँ पे यह होगा, उसका कोई ना कोई नियम होता है, तो ऐसे सूत्र कहलाते हैं, नियम सूत्र कहलाने वाले होते हैं। एक सूत्र होता है अतिदेश। अतिदेश का अर्थ होता है जो वस्तु जैसी नहीं है उसमें उसके धर्म का आरोप करना अतिदेश सूत्र कहलाता है। कभी कभी क्या होता है, व्याकरण का वो नियम नहीं होता है, फिर भी उस नियम को कर दिया जाता है, तो ऐसे बहुत सारे सूत्र मिलेंगे, उनको कहेंगे हम अतिदेश सूत्र। अंतिम सूत्र का भेद आता है, वो होता है अधिकार सूत्र। अधिकार की बहुत अच्छी परिभाषा दे रखी है, उत्तरोत्तर सूत्रेषु स्वघटक पद समर्पकम सूत्रम, अर्थात आगे के सूत्रों में किसी पूर्व सूत्र के पद को ले जाना अधिकार कहलाता है। जैसे एक सूत्र है स्त्रियाः नाम का सूत्र है, स्त्री प्रकरण। अब स्त्रीलिंग के स्त्रियाः सूत्र का, स्त्री पद का, सभी सूत्रों में वो पद अपने आप चलता रहेगा, तो स्त्रियाः सूत्र है वो अधिकार सूत्र है, क्योंकि स्त्रियाः में प्रयुक्त स्त्री शब्द संपूर्ण सूत्रों में वह पद अपने आप चला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अधिकार सूत्र। तो जब जब ये सूत्र आएंगे तब तब इनके बारे में हम और चर्चा करते रहेंगे। अभी तो आपको एक ही बात समझनी है, सूत्रों के 6 भेद होते हैं, संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र, इस सूत्रों के 6 प्रकार हो गए। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि व्याकरण में आपको क्या मिलेंगे, सूत्र मिलेंगे, फिर सूत्र की वृत्ति। वृत्ति का मतलब सूत्र का अर्थ होता है, तो आपको सूत्र दे दिया जैसे हलंत्यम, अब हलंत्यम के बाद में सूत्र की वृत्ति दे रखी होगी, तो इसकी वृत्ति में क्या है, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश है आद्योच्चारणम, सूत्रेष्व दृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीय सर्वत्र। या जब आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में देखोगे तो ऊपर हलंत्यम सूत्र, नीचे उसकी वृत्ति, फिर आते हैं उदाहरण। ये 3 चीज आपको व्याकरण में याद करनी है। मैं आपको हिंदी हिंदी में पढ़ाऊंगा, उनके अर्थ बताऊंगा, आप अपने पुस्तक भी पास में लेकर बैठोगे तो आपको पता चलता रहेगा। तो ये आपके हमारे संपूर्ण व्याकरण, चाहे संज्ञा प्रकरण हो चाहे अजंत प्रकरण हो, सभी में सूत्र, सभी में वृत्ति, सभी में उदाहरण आते रहेंगे जिनको हम अच्छे से समझेंगे। अब हम चलते हैं संज्ञा प्रकरण की ओर। पूर्व कक्षा में हमने देखा कि 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं और इन सभी माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं और अंतिम पद की इति संज्ञा होती है। तो अब देखते हैं आगे कौन सा सूत्र आता है। तो अब सबसे पहले आपके देखो सूत्र आता है, मैंने कहा था आपको कि संज्ञा प्रकरण में संज्ञाएं होती है, तो सबसे पहले आप संज्ञा देख सकते हैं इति संज्ञा सूत्र। इति संज्ञा करने वाला सूत्र होता है हलंत्यम, सूत्र का नाम है हलंत्यम। अब देखो यह सूत्र क्या करता है, इति संज्ञा करता है। इति संज्ञा का अभिप्राय यह होता है जब हम किसी भी पद का लोप करते हैं तो उसके पहले व्याकरण में हमें इति संज्ञा करनी होती है। तो सिर्फ हल की इति संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा, हलंत्यम सूत्र करेगा, यह आपको ध्यान रखना है। हल पदों की इति संज्ञा जिन जिन पदों के हलंत है उसकी इति संज्ञा करेगा हलंत्यम सूत्र, यह आप ध्यान रखोगे। अब देखो हलंत्यम सूत्र के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं ये सूत्र का अर्थ है, यह सूत्र का अर्थ मैंने आपको बताया है, ये आपका सूत्र का अर्थ, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। उपदेश अवस्था में
अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। पहले मैंने कह दिया यह सूत्र इत संज्ञा करता है। इत संज्ञा किन की करता है? हलंत वर्णों की करता है। पर एक इसके साथ में आवश्यक बात जोड़ दी, उपदेश अवस्था होगी तभी यह सूत्र अंतिम पद की इत संज्ञा करेगा, नहीं तो यह सूत्र नहीं करेगा। अब उपदेश किसको बोलते हैं? आपके मन में जिज्ञासा होगी कि यह सूत्र तो उपदेश अवस्था में इत संज्ञा करता है, तो उपदेश की परिभाषा आपके परीक्षा में आती है, संस्कृत की है, उपदेश है आद्योच्चारणम। उपदेश है आद्योच्चारणम। आद्योच्चारणम में गुण संधि है, आद्य प्लस उच्चारणम। आद्य किसको बोलते हैं? प्रथम को। तो देखो क्या अर्थ होता है, पाणिनि कात्यायन पतंजलि के आद्य का मतलब प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। व्याकरण में तीन मुनि प्रसिद्ध हुए हैं, पाणिनि कात्यायन पतंजलि, इनके द्वारा सबसे पहले प्रथम उच्चारण को क्या कहेंगे हम? उपदेश कहेंगे। तो ये सूत्र का सीधा सा अर्थ हो गया। अब मैं आपको उपदेश के बारे में और अच्छे से बताऊंगा। उपदेश की परिभाषा अधिकांशतः आपके परीक्षा में पूछी जाती है, तो आप यह याद कर सकते हैं, उपदेश है आद्योच्चारणम। अब देखिएगा उपदेश के बारे में आगे अच्छे से, ये आपके उपदेश के बारे में बता रखा है, पूरा उपदेश का पूरा अर्थ इसमें दे रखा है, आप अच्छे से समझ पाओगे। उपदेश में धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय आदेश आते हैं। एक श्लोक है, श्लोक का नाम है धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगमा प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। इसका अभिप्राय ये हो गया, पाणिनि जी, कात्यायन, पतंजलि जी, इन तीनों के द्वारा प्रथम उच्चरित को उपदेश कहते हैं। अब प्रथम उच्चरित कौन कौन से हैं यह भी आपके मन में जिज्ञासा आई होगी, तो आता है सबसे पहले धातुएं, धातु भू एद, कितनी धातुएं हैं वो सभी उपदेश में आती है। उन धातुओं में से यदि कोई हलंत है तो उसकी इत संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा? हलंत्यम करेगा। सूत धातु आ गया, सूत्र, ऐसे बहुत सारे सूत्र है, उन वो सभी सूत्र उपदेश में आते हैं। गण, गण का अर्थ वैसे समूह होता है, जैसे भवादि गण, अदादि गण, धातुओं के समूह होते हैं उनको गण कहा जाता है। इसी प्रकार उणादि प्रत्यय, ये भी व्याकरण में आप आगे पढ़ेंगे प्रकरण है, वाक्य भी उपदेश में आता है, लिंगानुशासन भी उपदेश में आता है। आगम मैंने आपको परिभाषा बताई थी, जैसे नुट आगम है तो नुट के टय हलंत है, नुट का टय क्या है? हलंत है, तो उस टय की संज्ञा हलंत्यम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि नुट आगम है और आगम किस में आता है? उपदेश में आता है। इसी प्रकार प्रत्यय, कोई सा भी प्रत्यय हो जाता है तो प्रत्यय में भी प्रत्यय के हलंत की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र करेगा। इसी प्रकार आदेश, कोई आदेश हो जाता है तो आदेश में भी हलंत की क्या करेगा? इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र करेगा। तो सीधा सा अर्थ यह हो गया कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल की, हलंत की क्या करना? हमें इत संज्ञा करना है। अब हल वर्ण कौन कौन से हैं? हमने अ ई ऊ आदि पढ़ा है, तो हल में कौन कौन से वर्ण आएंगे? हय वर ल य म ग ण न झ भ ग ढ ध ज ब ग ड द ख प छ ठ थ च ट त क प स ष स ह। ये सभी हल वर्ण में, हल प्रत्याहार में आते हैं, ये सभी हलंत रहेंगे, उसको क्या कहते हैं? इत संज्ञा। आपने देखा होगा कि हलंत किसको बोलते हैं, जैसे ये कै लिखा है मैंने, कै के ये आड़ी रेखा होती है उसको हलंत बोलते हैं। ये कहीं पर भी आपको मिले उसकी इत संज्ञा आपको हलंत्यम सूत्र करता है। अस्तु, ये आपका सूत्र बताया। अब एक आपके हलंत्यम सूत्र की वृत्ति में एक वाक्य लिखा है, उसको समझा देता हूँ। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीय सर्वत्र। उसका अर्थ क्या होता है समझ लो अच्छे से। ये देखो मैंने आपको अर्थ बताया है, अष्टाध्यायी में अनुवृत्ति का नियम है। अष्टाध्यायी किसको कहते हैं? पाणिनि जी द्वारा सूत्र लिखे बनाए गए, उन सभी सूत्र जिसमें लिखे गए वो अष्टाध्यायी किताब है, जिसमें आठ अध्याय है।
संपूर्ण अष्टाध्यायी जो व्याकरण का आदि ग्रंथ है, प्रारंभिक ग्रंथ है, उसमें अनुवृत्ति का नियम है। अब अनुवृत्ति किसको बोलेंगे देखेंगे। सूत्र का अर्थ करते समय यदि कोई पद दिखाई नहीं दे रहा है तो उन पदों का दूसरे सूत्रों से अनुवृत्ति लाकर अर्थ कर लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जैसे हलंत्यम पद है तो हलंत्यम पद में हल है और अंत्यम है, इसमें कहीं पर आपको उपदेश पद दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। यहाँ पे तो दो ही पद है, हल और अंत्यम है, उपदेश पद हमें नहीं दिखाई दिया, पर वृत्ति में तो हमें उपदेश पद दिखाई दे रहा है। क्या हलंत्यम में आपको इत पद दिखाई दिया? नहीं दिया। ये दोनों पद नहीं दिखाई दे रहे हैं अर्थ करते समय, इसलिए दोनों पदों की हमें क्या करनी पड़ती है? अनुवृत्ति करनी पड़ती है। अनुवृत्ति का मतलब हलंत्यम सूत्र से पहले आए हुए जितने सूत्र है उन यदि किसी सूत्र में इत पद है या उपदेश पद है तो उसकी हम क्या कर लेंगे? सीधी की सीधी अनुवृत्ति कर लेंगे। तो उपदेशे अजनुनासिक इत नाम का सूत्र है, उस सूत्र से इस हलंत्यम में उपदेश की भी अनुवृत्ति आ जाती है और इत पद की भी अनुवृत्ति आ जाती है। अनुवृत्ति का सबसे बढ़िया फायदा यह होता है कि एक ही पद को आप बार बार कह रहे हो। हलंत्यम सूत्र में आप इत कहोगे, उपदेश कहोगे, वही इत आपने पहले कह दिया है, तो बार बार एक पद की आवृत्ति होगी तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए व्याकरण में यह अनुवृत्ति का नियम बना। तो ये आपका पूरा, मैंने आपको इसका नियम बता दिया। अब देखिएगा, अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे ये आपका उदाहरण है हलंत्यम सूत्र का। एग्जाम्पल कौन सा है? जैसे नुम एक आगम है, ऐसे बहुत सारे सूत्र है जिनसे नुम का आगम होता है, तो क्या नुम उपदेश में आता है? क्या नुम उपदेश में आता? नुम उपदेश में आता है, तो नुम एक आगम है जो उपदेश है। ये तो धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम में नुम आगम है, इसमें मय वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। बताओ क्यों? क्योंकि नुम के अंत में क्या है? आधा मय अंत में है, और नुम क्या है? उपदेश में है, और अंतिम हल है, इसलिए मैं की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से हो जाएगी। इत संज्ञा किससे हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह माहेश्वर सूत्रों में अब देखिएगा, 14 माहेश्वर सूत्र हमने पढ़े, अ ई उण री लृक ए ओंग, इन सभी के अंत में हलंत अक्षर आधे आधे हैं। यह सभी सूत्र है, इसलिए उपदेश में आते हैं, उपदेश में आते हैं ये सभी, इसलिए माहेश्वर सूत्रों के अंतिम हलंत वर्ण है उसकी इत संज्ञा कौन सा सूत्र कर देगा? हलंत्यम सूत्र कर देगा। तो इस प्रकार से आप हलंत्यम सूत्र को आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद में एक और सूत्र आता है इत संज्ञा का, उसका नाम है इत संज्ञा सूत्र अच। लिखा है मैंने, ये अच क्यों लिखा मैंने? ये अच इसलिए लिखा मैंने क्योंकि पहले सूत्र से हलंत पदों की इत संज्ञा होती है, इस सूत्र से अच पदों की इत संज्ञा होती है। अब देखिएगा, माहेश्वर सूत्र में अच भी आता है, माहेश्वर सूत्रों में हल भी आता है। हलंत पदों की इत संज्ञा, उपदेश में रहने वालों की इत संज्ञा कर ली हलंत्यम ने, तो बच गए अच। तो आपके मन में ये जिज्ञासा या प्रश्न उठा होगा कि जो अच बच गई उनकी इत संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा? तो देखिएगा, सूत्र आता है आपका उपदेशे जुनुनासिक इत नाम का सूत्र आता है। सूत्र का नाम क्या है? उपदेशे अजनुनासिक इत। यह सूत्र अच की इत संज्ञा करता है। अच का मतलब अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, ये सभी अच है। इन सभी अचों की इत संज्ञा उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र इत संज्ञा कर देगा। देखिएगा इसका अर्थ क्या है, ये इसका अर्थ दे रखा है मैंने, उपदेश में अच की इत संज्ञा होती है। बात यहाँ पे भी उपदेश आ रहा है, तो उपदेश का मतलब धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय आदेश, इनका ही अच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी जहाँ हमारी इच्छा हो वहाँ पे हमने इत संज्ञा कर दी, ऐसा नियम नहीं है। उपदेश में रहने वाले पदों की ही इत संज्ञा होगी, दूसरे किसी की नहीं होगी। अस्तु आगे देखते हैं,
अब देखो क्या लिखा है, इसको थोड़ा स्पष्टतया और समझा दिया है। इस सूत्र से अनुनासिक अचकित संज्ञा होती है, परंतु अनुनासिक नहीं होने पर भी अचकित संज्ञा होती है। व्याकरण में क्या होते हैं कि जैसे प्रत्येक व्याकरण के समय में एक समय ऐसा भी था जिसमें प्रत्येक वर्ण को अनुनासिक माना जाता था। अनुनासिक का मतलब क्या होता है कि जिसको मुख और नासिका, मुख और नाक के द्वारा जिसको बोला जाए उसको अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि आपके वर्ण लिखता हूँ ऐ, ये ऐ पर मैंने अनुस्वार लगा दिया, ये तो इसको कैसे बोलेंगे, अम, क्या बोलेंगे इसको, अम। रामम होता है, कृष्णम होता है, इसी प्रकार ऐ है तो ऐ के भी लग गया अम, आ के लग गया आम, इम, ईम, ऊम, ऊम। तो एक समय ऐसा भी था जिसमें सभी वर्णों के क्या होता था, अनुनासिक लगते थे। तो ये सूत्र नियम क्या करता है कि जो अनुनासिक होंगे, जिस पे ये अनुस्वार लगा है, उसी की, उसी स्वरों की संज्ञा करनी है, बाकी दूसरों की नहीं करनी है। ऐसा नियम सूत्र के अर्थ से बनता है। परंतु अनुनासिक यदि कोई नहीं भी रहता है तो भी ये सूत्र अचों की संज्ञा कर सकता है। अनुनासिक रहे या न रहे, उपदेश अवस्था में रहने वाले अ, इ, उ, री, ल्री, ए, ओ, ऐ, औ, इन सब की संज्ञा उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र इत संज्ञा करेगा। यह आपको मैंने सूत्र का अर्थ समझाया। इसका इसके बाद में मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे ये नुम है, तो नुम का जो आधा मय है, नुम पहली बात क्या है, आगम है। आगम का मतलब किसी को हटाता नहीं है, चुपचाप आके बैठ जाता है। नुम क्या है, एक आगम है। तो आगम है तो उपदेश में आएगा। मय है वो क्या है, हलंत है। आधा मय क्या है, हलंत है ना, इसलिए हलंत की संज्ञा तो हलंत्यम कर देगा। पर नुम के अंदर आधा न और ऊ मिला हुआ है, तो ऊ क्या है, अच है ना, ए, ई, उ, अच है। और ये किस में आता है, ये उपदेश में आता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, नुम के उ की इत संज्ञा कौन सा सूत्र कर देगा, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र इत संज्ञा करेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आगे आपके बहुत सारे आगम आदेश आएंगे। यदि आप अभी से इन सूत्रों को अच्छे से याद रखोगे, कहीं पर भी स्वर आता है तो आपको वहाँ पे उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र इत संज्ञा करने वाला सूत्र होता है। कहीं पर भी हलंत आता है उपदेश अवस्था में, तो वहाँ पे हलंत्यम सूत्र इत संज्ञा कर देता है। तो ये हमने दोनों सूत्रों के द्वारा जाना कि इन दोनों की हल और अचों की संज्ञा होती है। अब देखो बहुत अच्छा सूत्र आ रहा है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, लोप संज्ञा सूत्र। ये सूत्र हमें बताएगा कि लोप किसको कहते हैं। आपने व्याकरण में देखा होगा कि हम बोलते हैं कि कै वर्ण की संज्ञा हुई, इसके बाद में लोप हो गया। जैसे नुम है, तो नुम में मै की इत संज्ञा हुई, इत संज्ञा होते ही लोप नहीं होता, ये ध्यान रखना। लोप के पहले इत संज्ञा करनी पड़ती है व्याकरण में। कभी कभी किसी किसी वर्णों का सीधा ही लोप हो जाता है, पर अधिकांशतया व्याकरण में देखा जाता है कि किसी भी वर्ण को हटाना है तो उसकी सबसे पहले इत संज्ञा करेंगे और इत संज्ञा करने के बाद में लोप करेंगे। तो ये लोप किसको बोलते हैं, ये लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है। देखिएगा सूत्र का नाम क्या है, अदर्शनम लोप है। ये सूत्र क्या करता है, लोप संज्ञा करता है। एक एक अद्भुत अच्छा शब्द है, दर्शनम अदर्शनम, इसको देखिएगा आप। दर्शन का अर्थ क्या होता है, दिखना, अदर्शनम नहीं दिखना। जो नहीं दिखे उसको क्या कहेंगे, लोप कहेंगे। मान लीजिएगा यह कलम है, अभी आपको दिख रही है, अभी इसका लोप नहीं हुआ। जब ये दिख नहीं रही है, अभी नहीं दिख रही है, तो कलम का क्या हो गया, लोप हो गया। तो जो दिखे नहीं, आपको कोई पूछे लोप किसे कहते हैं, अदर्शनम लोप है। जो दिखे नहीं, जिसका दर्शन नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, उसको लोप कहते हैं। अब देखिएगा हम इसका अर्थ देखेंगे, ये आपका अर्थ है। वैसे इसका संस्कृत में अर्थ है, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप है। मैंने यह कह दिया जो दिखे नहीं उसका लोप होता है, तो किसका लोप होता है, तो देखो प्राप्त का दिखाई नहीं होना लोप कहलाता है। कोई सा ऐसा वर्ण जो प्राप्त होता है उसका क्या होता है, जो दिखाई नहीं दे तो उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ये तो सामान्य अर्थ है। अब देखो विशेष अर्थ, एक आप ध्यान से देखना कि आपके
वृत्ति में आपके जैसे वृत्ति में एक शब्द दे रखा है प्रसक्तस्य अदर्शनम, प्रसक्तस्य अदर्शनम। प्रसक्त शब्द का अर्थ आप ध्यान से देखिएगा, संस्कृत की वृत्ति है प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। जो प्रसक्त है वो यदि नहीं दिखाई दे उसका लोप होता है। अब आपके मन में प्रश्न जगेगा प्रसक्त शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रसंग शब्द से बना है प्रसक्त, इसका अर्थ होता है शास्त्र या अर्थ से प्राप्त कोई वर्ण प्रसक्त कहलाता है। यदि कोई सूत्र से कोई पद आया है, शास्त्र व्याकरण शास्त्र का हो या अर्थ से कोई वर्ण आता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रसक्त कहते हैं। जब उसका अभाव दिखाई दे तब उसका लोप कहलाता है। जैसे नुम क्या है, नुम प्रसक्त है क्योंकि किसी ने किसी सूत्र से नुम का आगम हुआ है, तो नुम क्या है, प्रसक्त है, प्रसंगवश आया हुआ है। इसलिए यहाँ पे नुम के अंदर मैकीत संज्ञा हमने हलंत्यम से की थी, उकीत संज्ञा उपदेश यजुरुनासिक से ही की थी। तो जब उसमें उकार तथा मकार का लोप हो जाता है, जब नुम में से मान लो आधा न बचे, ऊ नहीं दिख रहा है अभी, आधे न में ऊ दिख रहा है अभी, नहीं दिख रहा है, आधा मैं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा है, तो ऊ और मैं का लोप हो गया। क्यों, ऊ और मैं हमें दिखाई नहीं देते हैं। समझ में आ गया। अब देखिएगा एक सूत्र आता है, ये तो देखो लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है, अदर्शनम लोप है। परीक्षा में प्रश्न आएगा लोप संज्ञा सूत्रम किम, तो आपको लिखना अदर्शनम लोप है। पर लोप करने वाला सूत्र ये विधि सूत्र है, अदर्शनम लोप है क्या था, अदर्शनम लोप है संज्ञा सूत्र है, यह बताता है कि लोप क्या होता है। लोप संज्ञा सूत्र पूछे तो अदर्शनम लोप है लिखना है, लेकिन यदि आपको यह पूछे कि लोप करने वाला सूत्र, लोप विधायक सूत्र कौन सा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसको सूत्र का नाम है तस्य लोप है, तस्य लोप है में तस्य पद है। तस्य का मतलब क्या होता है, तद शब्द की षष्ठी एकवचन तस्य बनता है। तस्य का मतलब उसका, किसका, इसके पहले हमने क्या की थी, इत संज्ञा की थी, इत संज्ञा का लोप। तस्य लोप का मतलब क्या होता है, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप कौन करता है, तस्य लोप है सूत्र उसका लोप कर देता है। जैसे माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण की इत संज्ञा किसने की थी, हलंत्यम ने की थी, होने पर उनका लोप होता है तस्य लोप है सूत्र से। इन इत संज्ञक वर्णों की सहायता से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। ध्यान रखो व्याकरण में जब इत संज्ञा हो जाती है तो आपको आगे एक सूत्र लगाना है, तस्य लोप है इति सूत्रेण लोप है कृते। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे ये देखिएगा आपका उदाहरण है, जैसे नुम है तो नुम के उकार की इत संज्ञा कर दी, मकार की इत संज्ञा कर दी। अब जब दोनों की इत संज्ञा कर दी तो आगे आप लिखोगे तस्य लोप है इति सूत्रेण उकारस्य मकारस्य लोप है कृते। तो ये आपको मैंने बताया अदर्शनम लोप है, लोप क्या होता है, लोप करने वाला सूत्र तस्य लोप है मैंने आपको बताया। अब देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आ रहा है और आज की कक्षा का ये अंतिम सूत्र भी है जो आपको मैं अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। यह सूत्र देखो क्या करता है, प्रत्याहार संज्ञा करता है। देखो मैं बार बार हलंत्यम में हल बोला, उपदेश अजनुनासिक में मैंने अच बोला, तो आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि ये अच क्या होता है, हल क्या होता है। तो ये अभी बता रहा हूँ मैं आपको, अच और हल प्रत्याहार होते हैं। क्या होते हैं, प्रत्याहार होते हैं। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र या प्रत्याहार क्या होता है ये कौन सा सूत्र बताता है, तो देखिएगा ये आपका सूत्र है आदिरंतेन सहेता। परीक्षा में प्रश्न आ जाता है प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो कौन सा बताओगे, आदिरंतेन सहेता। अब देखो सूत्र के पदच्छेद करते हैं हम, कि जैसे आदि ही अंतेन सहेता, सबसे पहले इसमें वर्ड कौन सा है, आदि ही, दूसरा अंतेन, तीसरा सहेता, ये सूत्र का पदच्छेद हो जाता है। अब हम इसका अर्थ देखेंगे सूत्र का, ये आपका अर्थ देखो, ध्यान से इस अर्थ को देखिएगा, अंत्य इत्संज्ञक वर्ण के साथ उच्चरित आगे का वर्ण
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने अच पढ़ा था, उपदेश यजुनुनासिक में क्या पढ़ा था हमने, अच पढ़ा था। ये आपको अच दिखाई दे रहा है जो मैंने लिखा है अभी, अच। इसमें देखो अंत्य इत्संज्ञक वर्ण के साथ, इसमें अंतिम वर्ण कौन सा है, च है, इसकी इत्संज्ञा अलंत्यम करता है, इसके साथ उच्चरित उच्चारण किया हुआ आगे का वर्ण कौन सा है, ए। तो ए और च दोनों का हम उच्चारण कर रहे हैं। यदि हम अंतिम वर्ण च और आगे का वर्ण अच का उच्चारण करते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, बीच में आने वाले वर्णों की संज्ञा है। इसके ए और च के बीच में जितने वर्ण आएंगे वो सब के सब अच प्रत्याहार में आएंगे। बीच में बताओ कौन कौन से आते हैं, अ ई उण से स्टार्ट करो और अय उच्च तक जाओ, तो क्या होगा, अ ई, सबसे पहले अ और च के बीच में ई उ री ऋ ए ओ ऐ औ, ये आपके आ गए, इतने वर्ण अच प्रत्याहार में आएंगे। तो प्रारंभ का और अंतिम का इन दोनों के बीच में जितने वर्ण है वो सभी वर्ण इसमें आएंगे। आगे एक बात और अच्छी दे रखी है, तथा आगे वाले वर्ण की भी संज्ञा है। अब आप ये बोलोगे कि आपने तो ये कहा ऐसे शुरू हो के च तक बीच में जितने वर्ण आए सब इस प्रत्याहार में आएंगे, तो क्या ए को हम छोड़ें क्या, नहीं। ये सूत्र क्या बोलता है, आगे वाले वर्ण की भी संज्ञा है अर्थात आगे वाले वर्ण को भी मानना है, तो अच प्रत्याहार में ए को भी मानेंगे। बीच में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई उ, अब ए ई उनका हणय है, तो आपके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि हणय को मैंने क्यों छोड़ा, हणय क च ये जो माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण है उसकी इत्संज्ञा हलंत्यम कर देता है, इन सभी का ग्रहण नहीं होता है, सिर्फ ए ई उ री ली ए ओ ऐ औ का ग्रहण होगा, इसको कहते हैं प्रत्याहार। इसी प्रकार आप हल का देख लो, अब आप मुझे यदि आप कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में हल वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्रत्याहार जितने बन सकते हैं, अक प्रत्याहार में कौन से आ सकते हैं, है ना, तो यण प्रत्याहार में, इक प्रत्याहार में, इन सभी का आप अच्छे से दे सकते हैं। अब देखिएगा ये मैंने आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश की है, इस स्लाइड को आप देखिएगा, ये आपको नोट्स यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मिलेंगे, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैंने गूगल ड्राइव की वो लिंक डाल दूंगा मैं, आप क्या कर सकते हो उसको कॉपी करके गूगल पे सर्च करना, तो आपकी जितने अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी आप लिखने में दिक्कत हो रही होगी, आप उनको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे ये क्या कह रहा है, जैसे अण में हण इत्संज्ञक वर्ण है, बार बार वही बात बता रहा हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, अण में हण इत्संज्ञक वर्ण है, ठीक है, इसके साथ उच्चरित आगे का वर्ण अ है, बिल्कुल अण है, तो इन अण से क्या समझेंगे, इन दोनों के बीच में आने वाले वर्ण ई उ की प्रत्याहार संज्ञा है, ठीक है, अण में ए भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, उ भी आ जाएगा, इन दोनों वर्णों के साथ ए की भी हमें प्रत्याहार संज्ञा करनी है। अण में कुल वर्ण कितने आ जाते हैं, ए ई उ आ जाते हैं, इस प्रकार से ये क्या होता है, प्रत्याहार। अब देखिएगा इसके उदाहरण, ये आपके सभी उदाहरण हैं, अक अच हल अल, इन सभी प्रत्याहारों में बीच में वर्ण तथा आगे के वर्ण आते हैं। चलो आप एक ले लो, अल अल प्रत्याहार ले लो, अल में ए कहाँ का, ए यून का ए है, और ल किसका, हल जो अंतिम है वो ल है, तो अल का मतलब क्या हो गया, इसके बीच में जितने वर्ण आएंगे ए ई उ री ली ए ओ ऐ औ है य व र ल है, हयवर्ट का है नहीं मानेंगे, अंतिम हल का मानेंगे, क्योंकि ये ल है ना, इसी प्रकार से ह य व र ल य म ग ण न झ भ घ ढ ध झ भ ग ढ ध ख फ छ ठ थ च ट त क प स ष स ह, ये इतने सारे वर्ण सभी अल प्रत्याहार में आ जाते हैं। इस प्रकार से आज हमने प्रत्याहार बनाने सीखे, सूत्रों में प्रत्याहार आएंगे, आप सभी प्रत्याहारों में जो जो प्रत्याहार आते हैं आप उनका प्रयास कीजिएगा। आज हमने क्या पढ़ा मैं एक बार आपको सार रूप में बता देता हूँ, सूत्र का क्या लक्षण है, सूत्र के कितने भेद है, उसके बाद में संज्ञा प्रकरण के बारे में हमने चर्चा की, मैंने आपको यह बताया संज्ञा प्रकरण में बहुत सारे सूत्र आएंगे जो हमें संज्ञाओं के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैंने इत संज्ञा के बारे में चर्चा की, हलंत वर्णों की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र, अच की इत संज्ञा करता है उपदेशी अजनुनासिक इत,
उसके बाद में लोप संज्ञा सूत्र है, अदर्शनम लोप है, और लोप करने वाला सूत्र है तस्य लोप है। उसके बाद में प्रत्याहार संज्ञा सूत्र है आदिरंतेन सहेता, जो हमें बताता है कि हमें प्रत्याहार कैसे करना है। आगे का वर्ण और अंतिम वर्ण, इन दोनों के बीच में आने वाले वर्ण तथा आगे वाला वर्ण, ये सभी प्रत्याहार में आ जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने संज्ञा प्रकरण के ये महत्वपूर्ण सूत्र देखे, और आगे की कक्षा में और भी हम निरंतर रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। कोई भी प्रश्न, कोई भी जिज्ञासा हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप अपने नोट्स भी मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, मैं उसको चेक भी कर लूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।